नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज का जो टॉपिक है वो हमारा भगत सिंह साहब की बायोग्राफी को डिस्कस करना है। अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के समाज के अंदर जिन्होंने जवानी में ही बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद भी आज तक वो हम सबके दिलों में जिंदा है। उनकी कही हुई एक एक लाइन, उनके कहे हुए एक एक शब्द आज भी हर उस व्यक्ति के दिल दिमाग में एक करंट पैदा कर देते हैं कि हाँ, मुझे भी अपने लिए, अपने देश के लिए और सभी समाजों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। उनके द्वारा कही गई एक लाइन से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। उनके द्वारा कही गई एक लाइन थी कि दोस्तों, दिल से निकलेंगी, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत यारो, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन की आएगी। तो ये इस प्रकार का जज्बा शुरुआत से ही करते हैं जिसके अंदर भगत सिंह की बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद, यही वो नारा था जिसके लिए इन्होंने अपने जीवन तक की परवाह नहीं की, और यही वो चीज है जिसके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह को खाली भगत सिंह कहना बहुत गलत होगा, इनके लिए शहीद शब्द का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में इन्होंने वो करके दिखा दिया जो संसार के अंदर शायद ही कुछ लोग कर पाए। शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगत सिंह के आसपास खड़े हो पाएंगे, उनकी जैसी कार्य कर पाएंगे। जिनका जन्म अगर बात करें 1907 और मरण की बात करें तो पाकिस्तान के लाहौर में 1931 को हुआ। पेरेंट्स में, माता पिता में किशन सिंह संधु और विद्यावती, जिसके लिए इन्होंने एक लाइन लिखी थी दोस्तों, क्या शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इसको शुरू करने से पहले दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इतिहास से रिलेटेड बातें भी बताएंगे। हिस्ट्री का हर वो सेक्शन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपको इस वीडियो से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिले, जैसे साइमन कमीशन क्या था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इससे रिलेटेड इनके जो बाकी सेक्शन है वो भी हम कवर करेंगे। उससे पहले सबसे पहली जानकारी क्या है कि IAS विद हरिमोहन के साथ आप हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो UPSC हो, PCS, स्टेट PCS हो और कोई भी वन डे एग्जाम हो। इसके लिए आप हमारे साथ में इन सभी चैनल्स पर जुड़ सकते हैं। प्लस कोई भी क्वेरी हो आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, कोई भी गाइडलाइंस या गाइडेंस की आवश्यकता हो, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे भगत सिंह साहब की बचपन की फोटो है, बहुत क्यूट, बचपन के अंदर से ही लेकिन दिमाग में एक ऐसा जज्बा जो हर चीज को, उम्र को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसमें भगत सिंह जन्म से एक संधु जट, 1907 में पैदा हुए, माता पिता का नाम किशन सिंह, पिता का नाम विद्यावती, माता का नाम लायलपुर, डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंसेस के अंदर पैदा हुए थे जो इस समय पाकिस्तान के अंदर है, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। अब आगे बात करें तो इनके माता पिता या परिवार पूरा जो शुरुआत से ही था वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे, जिनमें इनके दादाजी जो थे अर्जुन सिंह जी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत तगड़े फॉलोवर थे। आर्य समाज ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया और भगत सिंह भी इन्हीं राहों पर चल पड़े। और बाद में इनके अंकल जो गदर पार्टी के सदस्य थे, करतार सिंह साहेब हो गया, शराबा हो गया, हरदयाल सिंह जी हो गया, इनके से फॉलोवर थे, इनके साथ इन्होंने शुरुआत करी। अजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी हो तो वाज फोर्स्ड टू एग्जाइल, उनको एग्जाइलमेंट के लिए त्यागना पड़ा सब कुछ क्योंकि उन पर पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा थे और डाइड हो गए 1910 में ही लाहौर के अंदर एक जेल के अंदर। अब अगर बात करें तो दूसरे सिखों की तरह इनका जीवन उतना ही नॉर्मल नहीं रहा जितना नॉर्मल सभी सिखों का या हमारा और आपका रहता है। इन्होंने नॉर्मल स्कूलिंग अटेंड नहीं की, खालसा स्कूल में इनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनके पेरेंट्स को भरोसा नहीं था उन पर, इनके माता पिता को भरोसा नहीं था कि वहां पर ये सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल लॉयल्टीज के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में था। इसीलिए इनकी शुरुआती शिक्षा
दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराई गई, जो आर्य समाज का इंस्टीट्यूट था। 1919 में 12 साल की उम्र, ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है सुनिएगा, एक ऐसा इंसिडेंट जिसे सुनकर दिलों में दर्द उठता है। 1919 में 12 साल की उम्र में जब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना तो वहां की मिट्टी इन्होंने सर पर लगाई। एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर लोग बैसाखी के मेले में एक शांति सम्मेलन, शांति मेले में जुड़े हुए थे और आदेश आने पर उन सभी निहत्ते लोगों को बलि चढ़ा दिया गया बिना किसी वजह के, जिसका बदला कुछ समय बाद उद्धम सिंह जी ने लिया था, लेकिन इतने लोगों की हत्या का नाम सिर्फ एक व्यक्ति पर आया। ऐसे में इनके अंदर उस समय से जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से 12 साल की उम्र से ही अपने देश को आजाद कराने का जज्बा बढ़ने लग गया। 14 साल की उम्र में ही ये उन लोगों का क्या नाम है उन विरोधियों का स्वागत करने लग गए, उन विरोधियों के साथ लग गए जो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी काम करते थे, उनका विरोध करने की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते थे उन सब का ये क्या करते थे, स्वागत करते थे और उन सभी के साथ खूब मिलकर आगे की कोशिश करते थे कि इनको भी कोई मौका मिले। लेकिन 14 साल की उम्र में ये बहुत छोटे थे, इतने कि इनके पर अभी से इस प्रकार की जिम्मेदारी डालना पॉसिबल नहीं था। अब समय बदला, धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में ज्वाइन किया। यहाँ पर इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज थी इनमें बहुत माहिर थे, या ये कहें कि जिस भी फील्ड से ये जुड़े थे ये बहुत माहिर थे। माहिर होने का मतलब हर जगह ये बहुत टैलेंटेड रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जीते हैं, राइटिंग कंपटीशन जीते हैं, हिंदी साहित्य के ड्रामा कंपटीशन जीते हैं जिनमें इन्होंने पंजाब की प्रॉब्लम्स को दर्शाने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की राइटिंग्स में इन्होंने अलग अलग जगह न्यूज़पेपर में भी कोशिश करी कि दिखाया जाए क्या उनके साथ पंजाब की समस्याओं को, कि वहां पर क्या समस्याएं हो रही हैं। आगे चलकर इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नौजवान भारत सभा कहा जाता है, उसको फाउंड किया, उसको शुरू किया 1926 के अंदर, और इन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भी ज्वाइन किया, जो आगे धीरे धीरे बदल गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा आगे यही जो एसोसिएशन है ये HSRA के नाम से प्रचलित हुई और आगे इसी के नाम से बढ़ी। इस एसोसिएशन में बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर थे जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला खान, ये सभी जुड़ने लगे। इस बेसिकली एसोसिएशन का मेन मोटिव वही था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सरकार के दिलों में अपनी छाप छोड़ना था। काफी लंबे अरसे से ही वैसे तो ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, हर प्रकार से उनको फॉलो करते थे, लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी अपने सभी प्रकार के क्या नाम है सभी प्रकार के जो आंदोलन शुरू करते थे उनको बीच में ही खत्म कर देते थे, उनसे इनके दिल में धीरे धीरे आघात पहुंचने लगा कि जहां पर हम जीतने की कोशिश में होते हैं वहीं पर ये नियम या मूवमेंट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि इनकी उम्र इतनी नहीं थी कि ये इस परिस्थिति के पीछे के मोटिव को समझ पाए, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद 1927 के अंदर माता पिता ने भगत सिंह जी की शादी का डिसीजन रखा। भगत सिंह की शादी का जब डिसीजन रखा, अरेंज मैरिज का डिसीजन था उस टाइम पीरियड में, दोस्तों लव मैरिज इतनी पॉसिबल नहीं होती थी, तो अरेंज मैरिज के लिए इन पर दबाव डाला गया। भगत सिंह पर जब दबाव डाला गया तो भगत सिंह ने सोचा कि मां प्रेम, मातृ प्रेम और पितृ प्रेम के चक्कर में कहीं देश प्रेम दिल से कम ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया, घर से भाग गए, और जब घर छोड़ कर गए तो कुछ लाइनें लिख कर गए थे अपनी माता और पिता के लिए। कहते हैं ये लाइनें उनकी लिखी हुई थी जो हमने अपने शब्दों में कन्वर्ट करी हैं। कह के गए थे कि मेरा जीवन तो देश के लिए समर्पित है, देश की आजादी के लिए समर्पित है, इसके अलावा किसी और प्रकार की इच्छा या लालच या आराम मेरे जीवन के लिए नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कहते थे कि किसी भी प्रकार से मैं अपने देश के प्रेम को किसी भी स्त्री या और प्रेम के लिए नहीं त्याग सकता।
कुछ इस प्रकार की इनकी प्रिजन की जेल के अलग अलग लोगों की मेरठ के अंदर जब फोटोग्राफ हुई थी तो ये उसी की एक फोटो है। ये आगे बढ़ते हैं तो धीरे 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 मूवमेंट्स के अंदर, धीरे धीरे प्रोटेस्ट के अंदर, विरोधों के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। इससे पहले इनको अभी कोई नहीं जानता था, इससे पहले इन्हें कोई भी नहीं जानता था। धीरे धीरे अब लोगों के पास 1926 के बाद 1927 जैसे जैसे आया, लोगों पर इनका विश्वास और जो यूथ के अंदर इनकी पहचान है वो बनने लगी। अब पुलिस जो है इनके इन्फ्लुएंस जो था वो जवान युवकों पर बहुत ज्यादा था। पुलिस का इतना इन्फ्लुएंस, पुलिस जो थी वो जानती थी कि भगत सिंह के अंदर जो रणनीतियां हैं वो युवा लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए मई 1927 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1927 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर इन पर एक आरोप लगाया गया इंडल्ज होने का लाहौर के अंदर बम फेंकने के लिए। इन पर पहली बार जो 1927 में मई पे जो इन्हें अरेस्ट किया गया था उसके अंदर इन पर केस लगाया गया कि इन्होंने बम फेंके हैं लाहौर के अंदर, वो भी दिवाली और दशहरे के दौरान। दिवाली और दशहरे के दौरान बाद में ये बात प्रूव नहीं हुई, बाद में ये बात प्रूव नहीं हुई। और उस समय में दोस्तों आज से करीबन 80 साल पहले इनकी जमानत 60,000 रुपए में हुई थी। उस समय में आने दो आने का जमाना हुआ करता था और 60,000 रुपए की जमानत उस समय में हुई, वो भी कब, जब वो 5 हफ्तों की अरेस्ट के बाद खूब मार खाई, खूब पनिशमेंट झेली। और इन पर इतना दबाव था कि पुलिस पर दबाव था कि क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, और पुलिस जो थी फेक लोगों को ऐसे ही किसी को पकड़कर उठाकर जेल में बंद कर रही थी और जबरदस्ती उन्हें मार पीट कर एग्री करवा रही थी कि एग्री करो कि तुम इस क्राइम में इंडल्ज थे। किसी भी प्रकार से भगत सिंह ने इस पर अपना मुंह नहीं खोला और इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे अगर एक बार हां कर गई या उन्होंने साइन कर दिए तो उनका पूरा जीवन कारावास में बीतेगा और जो उनके मन में जो देश के लिए कार्य करने की भावना है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 हफ्ते तक पुलिस का टॉर्चर झेला। उनके पिता ने रिक्वेस्टिंग मैनर के अंदर अलग अलग जानकारियां लगाकर, अपील लगाकर 60,000 की जमानत कराई। जैसे जमानत मिली वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने एडिट किया उर्दू और पंजाबी भाषा के अंदर कई अखबारों के अंदर, जिसमें से कीर्ति, जिसको कीर्ति किसान पार्टी भी कहा जाता है, और बाद में अगर बात की जाए तो वीर अर्जन न्यूज़पेपर के अंदर भी इन्होंने अपने दिमाग की सोच और अपनी मंशा को लोगों तक बताया। पहली बार था जब 1927 के अंदर ये भगत सिंह को आमना सामना करना पड़ा था पुलिस का, जिसमें जबरदस्ती के झूठे आरोप लगाए गए थे। उस समय से इनके दिमाग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा नफरत भरने लग गई थी, और ज्यादा नफरत भरने लग गई थी। और ये अब अपनी टीम के साथ, अपने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसके साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते थे, ड्रामा करते थे, लोगों को जागरूक करवाते थे कि किस प्रकार से यदि अगर आपको देश के लिए खड़े होना पड़े तो आप घर रहकर या बाहर रहकर किस प्रकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रत्येक प्रकार के प्रयास किए। धीरे धीरे समय बदलता गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर इनकी वैल्यू बढ़ती चली गई। अब समय आया 1919 में इंडियन गवर्नमेंट जो थी, क्या नाम है, जो कहते हैं ना इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पहले क्या था वो जान लीजिए, फिर साइमन कमीशन वाला पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हिस्ट्री में क्या था कि 1919 में भारत का दौरा करने के लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप भेजा जा रहा था, 7 लोग थे, 7 MP थे इसके अंदर, ब्रिटेन से ग्रुप आ रहा था जिसका हेड जो था साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन जो हेड था इसका, अब जब आ रहा था तो इंडिया में बाहर से आने वाले लोगों का, प्लस 1919 के द्वारा 1919 में बनाई गई सभी प्रकार की दमनकारी नीतियों का जायजा लेने के लिए वो भारत आ रहे थे। इस पर जो भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग था या अलग अलग प्रकार की पार्टियां थी, वे चाहती थी कि इस
जो पार्टी है ये जो साइमन कमीशन है इसमें एक भारतीय का होना कंपलसरी है, जो हिंदुस्तानियों की भारतीयों की जो मंशा है वो सरकार के आगे रख सके, सरकार के सामने उनका भी कोई व्यू पॉइंट ले सके, उनका कोई पक्ष ले सके, ऐसा कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में होना चाहिए, यानी 7 MPs के अंदर एक भारतीय का होना कंपलसरी है। जब सरकार ने इस नीति को नहीं माना और इनकी जो 1928 की जो ग्रुप थी साइमन कमीशन इसके अंदर किसी हिंदुस्तानी को नहीं रखा, तब सभी लोगों ने इस कमीशन का विरोध करने का डिसीजन लिया कि दमनकारी नीतियों के लिए भारतीय व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करने वाले थे उनको तुम ग्रुप में नहीं रख रहे हो तो हम भी तुम्हारे कमीशन का विरोध करते हैं। जब ये आए तो इन पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडों से इनका स्वागत किया गया और अपना रोष प्रकट किया गया। इस साइमन कमीशन के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो ऑलरेडी पहले ही डिटीरियोरेट थी। जब वो हिंदुस्तान आए तो लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने के चक्कर में वो नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए साइमन कमीशन के जो बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने लाठी चार्ज का प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट क्या किया, पुलिस अटेम्प्ट में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। दोस्तों जब लाठी चार्ज का आदेश दिया तो सबसे दमनकारी नीति क्या थी अंग्रेजों की, कि जो फेस है, फेस यानी कि जो पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर है उसको पकड़कर पीट दो और उसको मार दो। और माना जाता था कि लीडर मार दिया तो समझ लो पूरी पार्टी या पीछे की पूरी जनता भाग जाएगी। ये परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, पर्सनली असॉल्ट किया लाला लाजपत राय को। इतनी बुरी तरह से उनके सर पर डंडे मारे गए लाला लाजपत राय के कि वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद अस्पताल ले गए जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किताबों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं, जो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ किताबें हैं जिसमें लिखा गया था कि डॉक्टर्स का मानना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी जो कुछ दिन बाद हुई थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के अनुसार लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उन जख्मों या उन वार से हुई थी, जितनी बुरी तरह उन्हें पीटा गया था उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ती चली गई जिससे उनकी डेथ हुई। इस पर अभी तक थोड़ा सा संदेह है, लेकिन फिर भी आप किताबों का रिकॉर्ड मानिए और डॉक्टर्स की बात आप मानते हैं तो फिर यह मान लीजिए कि कुछ समय बाद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस बात पर जो पूरी की पूरी HR थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था वो आवेश में आ गया, और आवेश में आने के बाद में जो आपके चंद्रशेखर आजाद साहब के द्वारा लीड किया जा रहा था और भी कई सदस्य थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी ना किसी प्रकार से भाई बदला लेना है, लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु का शहादत का बदला लेना है। इस बदला लेने के लिए इन सभी लोगों ने टीम बनाई, टीम बनाकर अटैक करने का डिसीजन लिया उस व्यक्ति पर जो जिम्मेदार था, यानी जेम्स ए स्कॉट इसका जिम्मेदार था, और इसको शूट करने का डिसीजन लिया कब, जब वो हेडक्वार्टर को छोड़ रहा था 17 दिसंबर 1928 को। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक गड़बड़ ये हो गई कि स्कॉट को एक्चुअली में कोई पहचानता नहीं था, ढंग से कोई पहचानता नहीं था, तो जब स्कॉट को मारने के लिए पहुंचे तो स्कॉट को मारने की जगह मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब उसको पहचानने की जगह गलती से जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया गया, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। यानी कि मारना था स्कॉट को, मार दिया सॉन्डर्स को, जब इसको मारा गया जॉन पी सॉन्डर्स को मारा गया तो इस पर बवाल हो गया। बाद में इन्हें पता चला कि जिसको मारना था उसे नहीं मारा और जिसको मारा उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उससे अपने मूवमेंट पर कोई फर्क या फायदा नहीं होगा। जब मूवमेंट पे कोई फायदा या फर्क नहीं होगा तब ये डिसीजन लिया गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अब उस गड़बड़ पर दो प्रकार की कमेंट आ रही थी, दो प्रकार की समस्याएं थी।
एक वो कमेंट्स आ रही थी जो कांग्रेस की तरफ से आ रही थी, जो बार बार इनका विरोध कर रहे थे, इनकी बुराई कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर लोगों की हत्या हो और डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई हो। जबकि दूसरी तरफ रिप्लाइज आया पोस्टर के जरिए आया। किसका रिप्लाई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का एक रिप्लाई आया बकायदा पोस्टर की फॉर्म में रिप्लाई आया। और इधर अलग, अब इनका पहले रिप्लाई पढ़ते हैं भाई कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनकी निंदा करी, इनसे बोला गया कि ये कार्य सही नहीं है, जिसको आप इस प्रकार से किलिंग करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये भी हमारे लोगों को, एक्टिविस्ट को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दे। तो इस प्रकार की परिस्थिति में वो वायलेंस को प्रेफर कर रहे थे भगत सिंह चंद्रशेखर के ग्रुप के, यानी HRHSRA के मेंबर्स, जबकि अपोजिट में वो वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने लाइन लिखी थी, क्या लाइन लिखी थी? भगत सिंह डिड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑफ टेररिज्म। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन्हें टेररिज्म बोला था, एक्ट ऑफ टेररिज्म, बट बिकॉज ही सीम टू विंडिक्टिव फॉर द मूवमेंट द ऑनरेबल ऑनर ऑफ लाला लाजपत राय एंड थ्रू हिम ऑफ द नेशन ही बिकेम अ सिंबल द Act of forgotten, the symbol remained, and within a few months, each town and village of the Punjab, and to lesser extent in the rest of the North India, resound with the name. Innumerable songs grew about him, and popularity that the man achieved was something amazing. अब क्या था कि एक तरफ वो कहना चाहते थे कि इस प्रकार के जो एक्ट्स हैं उनसे कभी भी याद नहीं किया जाएगा, कभी भी देश में आपका नाम नहीं होगा, आपको आपके नाम से जानने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे, वो सिंबल बनाना पड़ेगा, वो चीज बनानी पड़ेगी जिससे लोग आपको सदैव याद रखें। कोशिश की जाए ऐसे एक्ट्स ना हो, इस प्रकार की उन्होंने स्टेटमेंट दी। इस पर अपोजिट में यहां पर देख सकते हैं, अपोजिट के अंदर यहां पर लेटर जो आया था वो ये लेटर था, ये पोस्टर था। पोस्टर क्या था? विद द डेथ ऑफ जेपी सुंदर, एसेसिनेशन ऑफ लाला लाजपत राय हैज बीन अवेंज, की बदला लिया गया है इस पर। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट that a respected leaders of 30 crore of people attacked by ordinary police, कहता है कि आम जनता, आम पुलिस के द्वारा जिस पर अटैक किया गया, देश के उस लीडर पर जिसको 30 करोड़ लोग फॉलो करते हैं और उसकी हत्या कर दी गई, तो ये एक चैलेंज था आम आदमी के लिए। आज टुडे द वर्ल्ड हैज बीन सीन द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट लाइफलेस। इस परिस्थिति से जब हमने जेपी सुंदर को मारा तो इन्हें ये पता चल गया कि हम लाइफलेस नहीं है। लाइफलेस का मतलब हम में भी जीवन है और हमारे साथ किसी प्रकार की घटना होगी तो बदला लेने की भावना होगी और इंसल्ट लीडर्स की किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें इन्होंने उन पाखंडियों को भी सावधान किया जो किसी भी प्रकार से देश को आघात पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने कहा लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। धीरे धीरे उन्होंने फिर एक लाइन और बोली, वी आर सॉरी फॉर शेडिंग ह्यूमन ब्लड बट इट बिकम्स नेसेसरी टू बाथ ही ऑल्टर्स ऑफ रेवोल्यूशन विद बाथ ब्लड। Our aim is to bring about a revolution which would end all exploitation of men by men. कहते हैं कि हम जानते हैं किसी की हत्या करना सही नहीं है, हम जानते हैं किसी की हत्या करना सही नहीं है, लेकिन अगर देश पर होने वाले शोषण को अंत करना है तो आपको जवाब उसी भाषा में देना पड़ेगा जो भाषा में आपसे सामने से रिप्लाई आ रहे हैं, जो भाषा में आपके सामने से आपका विरोध किया जा रहा है, आपको उसका जवाब उसी परिस्थिति में देना पड़ेगा। अब यहां पर ये एक्शन समाप्त होता है तो इनको पकड़ने के लिए हर प्रकार से लाहौर को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी प्रकार से भगत सिंह और उसकी पार्टी यानी कि जिम्मेदार लोग नहीं निकलने चाहिए और उनको पकड़ना है जिंदा या मुर्दा।
इस परिस्थिति में भगत सिंह जी की सहायता करने के लिए दुर्गावती देवी सामने आई। ये दुर्गावती देवी की बहुत रेयर पिक्स में से एक पिक है, जो पहली वेमेन फ्रीडम फाइटर थी, पहली वेमेन फ्रीडम फाइटर थी, और इन्होंने मदद करी। किसकी मदद करी? भगत सिंह की वहां से जाने में। अब जैसे पुलिस ने लॉन्च किया एक मैसिव ऑपरेशन की इधर से इनको पकड़ना है, सीआईडी छोड़ दी गई, जिन जिन लोगों ने इन्हें देखा है उनको पकड़ना है, जिन जिन लोगों ने देखा है उनसे इनकी शिनाख्त करानी है। इस बीच में अगले दो दिन में 1928 दिसंबर 19 को दुर्गावती जो थी स्टेशन पहुंची। दुर्गावती जो बीवी थी भगवती चरण वोरा की, इन्होंने मदद करी, डिसाइड किया कि इनको लेकर निकलना है और कलकत्ता पहुंचाना है। कलकत्ता पहुंचाने के लिए भी इन्होंने ट्रिक करी दोस्तों, बहुत दिमाग लगाया इनमें सबसे, तीनों ने अपने आप को परिवर्तित किया। जैसे कि भगत सिंह ने अपनी पग कटवा दी, दाढ़ी कटवा दी, अपने आप को इंग्लिश लुक दे दिया, और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का वेस्टर्न सूट पहन लिया, अंग्रेजों का वेस्टर्न सूट पहना, पूरी तरह से रूप बदल लिया, और एक रिच फैमिली की तरह कार जो उस टाइम ब्रेड का तांगा होता था उसमें गए। अपोजिट में दुर्गावती देवी इनके साथ थी, और भगत सिंह ने एक बच्चे को गोद में ले लिया। साथ में राजगुरु जो थे उन्होंने भी रूप बदल के क्या किया, एक नौकर का रूप लिया, नौकर के रूप में सामान उठाते हुए लेबर, इंडियन लेबर बनकर इनके साथ गए। जब भगत सिंह को सबसे बड़ा चैलेंज आया टिकट लेने का, उस टिकट काउंटर पर ऑलरेडी पुलिस वाले खड़े थे और वो लोग खड़े थे जिन्होंने भगत सिंह को देखा है, पहचान करनी थी। तो उस परिस्थिति में भगत सिंह को कोई भी पहचान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया, और फाइनली क्या हुआ, ये टिकट लेकर ट्रेन में बैठे और आगे की तरफ निकल लिए। और ऐसा नहीं था कि आगे आसानी से निकल लिए, आगे भी बीच में इनके पास चेकिंग आई, चेकिंग से ये फिर से आसानी से निकल गए, क्योंकि वहां पर इन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से दुर्गावती देवी जी ने बहुत हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाकर क्या किया, भगत सिंह की एस्केप में मदद करी, भगत सिंह की एस्केप में मदद करी। और उस समय में दुर्गावती जी जो थी उनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की वो सदस्य थी। अब आ जाता है धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम, धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम। इस बीच में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 1929 का असेंबली इंसिडेंट सुनाने से पहले बीच में एक कांड हुआ, एक प्रॉब्लम हुई, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जहां पर इनको हथियारों की जरूरत थी। पार्टी के सदस्य चाहते थे कि हथियारों के लिए पैसा जुटाया जाए और आम जनता को लूटा जाए, लेकिन भगत सिंह इस फेवर में बिल्कुल नहीं थे कि किसी भी प्रकार से भारत की जनता को और एक्सप्लॉइट किया जा सके। वो पहले ही पीड़ित है, अब हम भी उन्हें पीड़ित करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो डिसीजन लिया गया, पता लगाया गया कि हथियारों को कैसे प्राप्त किया जाए। तो पहली बार काकोरी कांड सामने आया, काकोरी कांड में लूटे गए थे हथियार ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से जो काकोरी से लखनऊ की तरफ जा रही थी, उस ट्रेन से हथियारों को लूटा गया, जिन हथियारों को आगे इस्तेमाल भी किया गया अलग अलग प्रकार से। इस बीच में अलग अलग छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, लेकिन भारत जो उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन सभी मूवमेंट्स को स्ट्रांगली नहीं ले रही थी, तो 1929 में विस्फोट किया गया लेजिस्लेटिव के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, असेंबली के अंदर विस्फोट किया गया। विस्फोट का मतलब ये था कि बम गिराए गए, लेकिन ये बम क्यों गिराए गए, असलियत के अंदर वहां पर एक मीटिंग होनी थी जहां पर सभी लोगों को अपने व्यूज देने थे, और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पर बिल आना था, लेकिन इसमें फिर से भारतीयों के पक्ष की बात नहीं रखी जा रही थी। जब भारतीयों के पक्ष की बात नहीं रखी जा रही थी, और जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो था वो इतना ज्यादा नुकसान दे सकता था कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता व्यापारियों का, लोगों का। इस परिस्थिति में इन्होंने अगस्ते वैलियंट नाम के एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेने के बाद चैंबर ऑफ डिस्प्यूट में पेरिस के अंदर उन्होंने बम फोड़ा था,
और अपनी बात लोगों के सामने रखी थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगत सिंह जी ने क्या किया, बम तैयार करवाया, और एक ऐसा बम जिससे सिर्फ धुआं हो, आवाज हो, धुआं हो और आवाज हो, लेकिन किसी भी प्रकार का क्या ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। वो बम उठाकर लेजिस्लेटर के अंदर फेंके गए। दोस्तों, लेजिस्लेचर में जब फेंके गए और आवाज उठाई गई कि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं इन नियमों का, और किसी भी प्रकार से इन नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस परिस्थिति में जब उन्होंने बम फेंकने के बाद इन्होंने काफी सारे जो थे जो आपके लीफलेट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इंकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगाए गए उनका मेन पर्पज क्या था, मेन पर्पस था विरोध करना। विरोध करना, तो यहां पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि एम बिहाइंड, यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, एम बिहाइंड बॉम्बिंग वॉज नॉट टू कॉज हार्म बट टू प्रोटेस्ट अगेन पासिंग ऑफ टू रिप्रेसिव बिल्स, पासिंग यानी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कहता है कि हमारा एम किसी को मारना नहीं था, हमारा एम किसी की हत्या करना नहीं था, नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन अपनी आवाज उस बहरी सरकार के कानों में डालना था जो हमारे को अवॉइड कर रही है और हमारे को सुन नहीं रही है। तो ये एक आखिरी रास्ता था। अब इसके अंदर जो बॉम्ब था उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि बॉम्ब जो था वो सिर्फ बहरे कानों को सुनाने के लिए था, ये किसी की हत्या के लिए नहीं था, इसमें ऐसा कोई पार्टिकल नहीं था जिससे किसी की हत्या हो जाए। इस प्रेसिडेंट के अंदर लाला लाजपत राय की जो मृत्यु थी उसको भी बाद में जोड़ दिया गया। इस इंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया गया और इनकी जो मेन इंटेंशन थी वो थी अरेस्ट होना। इनके हाथ में पिस्टल्स थी, इन पिस्टल्स से इन्होंने सिर्फ साउंड किया, फायर किया, लेकिन किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ हवाई फायर किया, और हवा फायर करने के बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इन्हें उस परिस्थिति में जब इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो कुछ एक व्यक्ति इसमें, जैसे कि हमारे जॉर्ज अर्नेस्ट क्रिस्टर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उन पर ये क्या हुआ, छोटा मोटा नुकसान हुआ, छोटा मोटा नुकसान इन द सेंस हल्की फुल्की इंजरीज हुई। इंजरीज होने के बाद में जब इन्होंने कन्फेस किया, और ये भागे नहीं, चाहते तो धुएं के अंदर भाग सकते थे लेकिन ये भागे नहीं। इनकी सबसे बड़ी टैलेंट वाली बात थी कि ये भागे नहीं, और इनका जो मेन मुद्दा था वो क्या था कि अरेस्ट होना और अरेस्ट होने के बाद कोर्ट का सामना करना और अखबार की मदद से अपनी सारी मंशा लोगों तक फैलाना, अखबार की मदद से सारी मंशा लोगों तक फैलाना उनका ये मुद्दा था। और ये मुद्दा कैसे पास होता, जब ये अरेस्ट होते सरकार के सामने प्रेजेंट होते कोर्ट के सामने, तभी ये बात हो पाती। तो ये एक बहुत प्लानिंग थी इस प्लानिंग के अंदर, और बहुत प्लानिंग के बाद काफी हद तक अंग्रेजों के खिलाफ, इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ भगत सिंह जी की जो रूल करने का जो तरीका था, जो पॉलिसी थी, वो काफी काम आई दोस्तों, काफी काम आई इसके अंदर। अब बात आती है ट्रायल्स की। ट्रायल्स का मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की। अब गांधी जी ने एक बार फिर से अपना डिसअप्रूवल दिया, और डिसअप्रूवल देने के बाद में गांधी जी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, गांधी जी ने इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज दिए। देखिए, गांधी जी जो थे अहिंसा की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, ये नहीं कह सकता कि गांधी जी बुरे थे। गांधी जी ने जो किया शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के आने से गांधी जी की वजह से भगत सिंह की जो शहादत है उसको भूला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गांधी जी जो थे वो इस बॉम्बिंग वाले पॉइंट पर, जो बॉम्बिंग वाले सेक्शंस हैं, इन पर कभी भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो कभी भी हिंसा के सपोर्ट में कभी नहीं खड़े हुए। तब उन्होंने जब बोला तो सिंह और यानी भगत सिंह और जो दत्त साहब थे, इन्होंने अपनी निंदा के बाद एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, यहां पर वही स्टेटमेंट दिया जो अखबारों के अंदर उन्होंने बोला। कुछ उनके शब्द थे कि हम इज्जत करते हैं इंसान के जीवन की, लेकिन जो आउटरेजेस क्रिएट की जा रही है अलग अलग लोगों के द्वारा वो असहनीय है। हम ना तो पागल हैं ना ही क्रिमिनल हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। इस पर उन्होंने एक बात और बोली, फोर्स व्हेन एग्रेसिवली अप्लाइड इज वायलेंस। कहता है कि जब ताकत को हिंसा की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत है,
वो गलत है, वो अनजस्टिफाइएबल है जो अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर कर रही है, और उसके लिए मॉरल जस्टिफिकेशन होगा। ऐसी पॉइंट उन्होंने बोले, जिसके अंदर एक एक पॉइंट सच था। असल में क्या था, उस समय के ईरा को अगर समझते हैं तो गांधी जी जो थे वो हिंसा को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेजी शासन जो है लड़कर उनसे नहीं हारेगा, लड़कर नहीं हारने वाला था। लेकिन इधर जो था महात्मा गांधी के अपोजिट भगत सिंह, जो चाहते थे वो चाहते थे कि उनको सीरियसली लिया जाए, देश के अंदर उनकी बातों को सीरियसली लिया जाए, ध्यान से देखा जाए। इसी बात पर आगे ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू होने के बाद बहुत सारे विटनेसेस पेश किए गए, बहुत सारी पॉइंट्स क्रिएट किए गए, अलग अलग नई नई चीजें क्रिएट की गई, जिसके अंदर भगत सिंह ने अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करने की अपील रखी। उन्होंने कहा कि मैं किसी वकील को नहीं, मैं खुद को खुद ही रिप्रेजेंट करूंगा। वो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी ज्यादा उनके अंदर एजुकेशन ले रखी थी, किताबें जेल के अंदर प्राप्त कर रखी थी, कि वो सदैव पढ़ते रहते थे और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर खुद को रिप्लाई देने के लिए तैयार कर रहे थे कि किस प्रकार से जो आगे के पॉइंट्स है उनको चलाया जा सके। अब आती है बात यहां पर, धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोसीडिंग्स चलती रही, अखबार के थ्रू बम बनाने का तरीका, पिस्टल बनाने का तरीका, अपनी सारी मंशाएं सब कुछ अखबार के जरिए ये क्या कर रहे थे, धीरे 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 जनता तक पहुंचा रहे थे। इस बीच में जनता जो थी वो भी अननेसेसरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत नेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रही थी सरकार पर, उधर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पर, कि किसी भी तरीके से इन बच्चों को, बच्चे ही थे उस समय में, कोई उम्र नहीं थी इनकी, तो इनको बचाने का प्रयास किया जाए। तो ये अखबार के जरिए सारी चीजें ये बताते जा रहे थे। इसमें इन्होंने क्लियर किया कि मैंने शॉट किसी को नहीं किया, जबकि कुछ लोग जो झूठे गवाह थे उन्होंने बोला कि पुलिस पर हवाई फायर नहीं किया, पुलिस पर फायर किया गया। तो इस परिस्थिति में केसेस को जो झूठे गवाह थे उनके तरीके से अटकाने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच में बहुत सारे गद्दार भी धीरे धीरे निकल निकल कर आ रहे थे, जो अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों का विरोध कर रहे थे। अब गद्दारों की सीमा जो हुई वो धीरे धीरे पकड़ी जाने लगी, जिसमें से अब ध्यान दीजिएगा कि 1929 के अंदर सारे लोग पकड़े जाने लगे लाहौर सहारनपुर से। इस बीच में बम फैक्ट्री, पिस्टल बनाने का जो सेक्शन था वो सारा का सारा कैप्चर होने लगा, और HSRA के सभी सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिसमें किशोरी लाल, गोपाल लाल, जय गोपाल सब जितने भी लोग थे, जितने भी षड्यंत्रकारी थे, उन सब की जानकारी जो थी बेसिकली खुफिया जानकारियों के द्वारा इन्हें पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो धीरे धीरे इनके साथ में, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर ऑलरेडी असेंबली में बम फेंकने के अलावा जो जेपी सौंदर्स का जो मर्डर था उनको भी जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे यानी केसेस बढ़ने लगे। अब एक तरफ तो केसेस बढ़ते जा रहे थे, दूसरी तरफ क्या था कि इनके साथ में जेल में जो इंडिया के जो क्रिमिनल थे उस समय में, भारत के जितने भी लोग थे जो जेल में थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। अमानवीय व्यवहार का मतलब हुआ कि इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में इनके साथ क्या हुआ, अमानवीय व्यवहार, यानी अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, टॉयलेट्स की गंदगी यानी अनहाइजीनिक वेज दिखाई दे रहे थे, और अनहाइजीनिक वेज के बाद इनको कपड़े अच्छे नहीं दिए जा रहे थे, तो इस प्रकार का इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। अब जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था तो इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद कर दिया गया तो इस प्रकार का जो अंग्रेजी शासन का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का नीति है, इस पर जो थे HSR के जो मेंबर्स थे इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के लिए अब जेल में थे और कुछ तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनको फूड स्टैंडर्ड, क्लोथिंग, टॉयलेट्स और अदर हाइजीनिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही थी, ना ही इन्हें किताबें और अखबार मिल पा रहा था। इस बात पर इन्होंने शोर मचाया और एक बात का और शोर किया कि हम किसी भी प्रकार से जबरदस्ती लेबर का काम नहीं करेंगे। जब लेबर का काम नहीं करेंगे तो अंग्रेजी शासन के नाक में इन्होंने दम कर रखा था। दूसरा ऐसा प्रॉब्लम था कि बाहर से अखबार के द्वारा जो जनता थी वो रोज बढ़ती जा रही थी, और इतनी बढ़ती जा रही थी कि अंग्रेजी शासन परेशान हो चुका था कि अगर एक तरफ भगत सिंह को सजा दी तो दूसरी तरफ ये कहीं हमें जेल के अंदर ही ना मार दें।
तो इस परिस्थिति के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। अब बात हुई कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू साहब पहुंचे इनसे मिलने के लिए मेनवली जेल के अंदर। मेनवली जेल से जब निकले तो वो भगत सिंह की बातों से इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे दोस्तों, इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आकर बोला कि मैं ऐसे हीरो को पहली बार देख रहा हूं जिसने इतना भारी स्ट्रगल किया और मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कहता है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनकी इस मेहनत पर इनको जीत का श्रेय प्राप्त हो। सेम कुछ ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना साहब मिलने गए और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी इनकी हंगर स्ट्राइक, इनकी मेहनत और इनके लिए जो ये देश के लिए लड़ने का जज्बा रख रहे थे, इन्हें एक पवित्र आत्मा की तरह बोला और इनको बोला कि ये जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो इनका हमें साथ देना चाहिए। धीरे 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 दिन बढ़ते चले गए तो इनकी इन प्रॉब्लम्स पर, हंगर स्ट्राइक पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 63 दिन हो चुके थे। अंदर जो था बटुकेश्वर दत्त जो थे उनकी जतिन दास जो थे, इनकी सेहत जो थी लगातार ख़राब हो रही थी। और जो अपने भगत सिंह जी हैं, इनका वजन कम होने लग रहा था, कमज़ोरी आ गई थी। 63 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया। 63 दिन तक जब खाना नहीं खाया, जतेंद्र दाथ दास जो थे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि 13 सितंबर को भूख से उनकी मृत्यु हो गई। भूख से मृत्यु होने के बाद जब इन्हें जेल में ले जाया गया तो इस बीच में इन्होंने सोचा कि अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये झुकने को तैयार नहीं थे। इस बीच में पूरा देश इकट्ठा हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना माइंड डाइवर्ट करके इन पर केस चलाया जाए जो ऑलरेडी है। इस बीच में ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने खाने पीने से मना कर दिया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए मना किया, तो इन्हें जबरदस्ती पीट पीट कर जूस, दूध, रोटी, अनाज पीट कर खिलाने की कोशिश की गई और इस पर ये क्या हो गए, फेल। इस पर ये अंग्रेज जो थे फेल हो गए और इनकी हंगर स्ट्राइक को नहीं तोड़वा पाए। जब हंगर स्ट्राइक को नहीं तोड़वा पाए तो प्रॉब्लम बढ़ गई। इस बीच में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको रोकने के लिए बार बार हमारे देश के लोगों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अपील की जा रही थी कि ये गलत है, इनको रोका जाए, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंह की जो अटेंशन थी लोगों की तरफ बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में जब सुनवाई हुई तो सारे के सारे लोग क्या हुए, कोर्ट में जज के सामने खड़े हो गए। इस बीच में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई कि जय गोपाल लाल, यहां पर यह नाम है, जय गोपाल लाल जो थे ये टूट जाते हैं। इन पर होने वाले अमानवीय व्यवहार को देखकर, इन पर होने वाले अत्याचार को देखकर, शोषण को देखकर, जय गोपाल जो था एक छोटी उम्र का बच्चा पलट जाता है और पलटने के बाद इनके खिलाफ गवाही दे देता है। जब इनके खिलाफ गवाही देता है तो प्रेम दत्त वर्मा जो इनमें सबसे छोटा व्यक्ति था, सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था, व्यक्ति छोटा नहीं था क्योंकि उसने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उम्र छोटी थी और उसको पता नहीं था क्या करना है। उसने गुस्से के अंदर आवेश में आकर चप्पल उठाई और गोपाल को मारी। कोर्ट के अंदर, चलती कोर्ट के अंदर जब चप्पल उठाकर मारी तो इस बीच में कोर्ट का उल्लंघन माना गया। जज के कहने पर इन पर पुलिस से वहीं पर बुरी तरह इनको पीटा गया। पीटने के बाद क्या हुआ दोस्तों, बहुत अच्छी इंसिडेंट हुआ। फिर पीटने के बाद जब बहुत बुरी तरीके से पीटा, इस बीच में काफी इंजरीज आई इन सभी लोगों को और उठाकर जेल में फिर से बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद अखबार के थ्रू बाहर के जो मूवमेंट्स थे वो स्ट्रांग होते जा रहे थे, अखबार के मूवमेंट स्ट्रांग होते जा रहे थे। और इधर से जो कोर्ट ने इनकी बातें सुनने से मना कर दिया था तो भगत सिंह और इसके जो ग्रुप थे, HSRA के जो मेंबर्स थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, हमारे वकील को खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो हम भी कोर्ट के सेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने सेशंस को अटेंड करने से मना कर दिया तो स्पेशल सेशंस चलाए गए।
स्पेशल सेशंस चलाए गए जिसके अंदर डिसीजन लिया गया कि इनके प्रेजेंस के बिना भी जो डिसीजन होगा वो उठाकर हम इन पर थोप देंगे और इनको सजाएं देंगे। इस बीच में 300 पन्नों की फाइल आई थी इनके सामने, 300 पन्नों की फाइल आई। जब ये स्पेशल सेशन चलाया गया इस बीच पर इसका विरोध किया गया तो वायसराय ने, लॉर्ड इरविन ने स्पेशली प्रेशर करके बोला कि एट प्रेजेंटली सारी परिस्थितियों को हम चला सकते हैं, ये सभी परिस्थितियां हमारे हाथ में हैं। तो जब इनका विरोध किया तो लॉर्ड इरविन ने वहां पर फिर से दमनकारी नीति अपनाई और इस केस को रुकने नहीं दिया। इस बीच में 300 पन्नों की फाइल इनके सामने प्रेजेंट हुई, 300 पन्नों का जजमेंट दिया गया जिसके अंदर सभी व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की सजा दी, जिसमें से कुछ लोगों को 7 साल की सजा, कुछ को 5 साल की सजा, कुछ को लाइफ इंप्रिजनमेंट और इन 3 पवित्र आत्माओं को मौत की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। यानी कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई और इन पर जो मर्डर था वो प्रूव हो गया, मर्डर प्रूव हो गया। बाकी लोगों पर मर्डर प्रूव नहीं था, बाकियों पर हथियार बनाना, बम बनाना, देश के विरोध में कुछ बोलना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। अब क्या हुआ, ये दोस्तों यहां फोटो जो देख रहे हैं आप, ये इस फोटो के अंदर भगत सिंह का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर था, भगत सिंह को मारना था, भगत सिंह की हत्या करनी थी। असल में भगत सिंह की हत्या का ऑर्डर आया था 24 मार्च 1931 को। पहली बार भगत सिंह जब देख चुके थे कि उनके द्वारा चलाई गई मुहिम जो है बहुत तेज चल रही है, इनके माता पिता जेल के बाहर सड़क पे रो रहे थे, सर पटक पटक कर इनसे मिलने की उम्मीद कर रहे थे। 24 मार्च 1931 को लोग आने की कगार पर थे, 21 मार्च 22 मार्च से ही जेल के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग मक्खी मच्छर की तरह बढ़ने लगे। उस परिस्थिति के अंदर जेल प्रशासन ने सोचा कि अगर भगत सिंह की मृत्यु कर दी, अगर भगत सिंह की मृत्यु कर दी या फांसी लगा दी तो ये सारे के सारे लोग हमें मार देंगे, अंदर ही खत्म कर देंगे। इस परिस्थिति में जेल प्रशासन ने इनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी, 23 मार्च को ही इन्हें फांसी दे दी गई, यानी एक दिन पहले 7:30 बजे इनको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद इनको जेल की दीवार तोड़कर, जेल की दीवार तोड़कर पास के गांव यानी गंगा सिंह वालिया विलेज के अंदर ले जाकर आग लगा दी गई, इनकी बॉडी को तेल डालकर जला दिया गया, कोई इनकी शहादत पर इनके माता पिता को इनकी डेड बॉडी नहीं दी गई, आग लगा दी गई गांव में जाकर। और गांव में जाने के बाद इनकी जो राख थी उसे सतलुज नदी के अंदर बहा दिया गया। ये जेल जो थी 6.2 मील दूर थी आपके इस इंसिडेंट से जहां पर इनको आग लगाई गई। इनकी मृत्यु के बाद मानो पूरे देश जो था बदले की भावना में बदल गया, आधे लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे विरोध किए, फिर धीरे धीरे विद्रोह जो था देश के अंदर वो तेजी से फैलने लगा। लेकिन हमारी जो बायोग्राफी है वो हमें भगत सिंह की डिस्कस करनी थी, तो उनकी मृत्यु के साथ ही हम यहां पर उनकी बायोग्राफी को अंत करते हैं। लेकिन भगत सिंह के द्वारा दी गई शहादत आज भी दोस्तों जब सुनी जाती है, भगत सिंह की शहादत से बच्चे बच्चे के अंदर करंट आ जाता है कि हाँ हमारे देश में हमारे लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। आप इन जानकारियों के बाद हमारे से PDF की डिमांड कर सकते हैं जो आपको हमारे WhatsApp, Facebook और अलग अलग ग्रुप से Twitter ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर डिमांड कर सकते हैं इस PDF के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।